हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाने जा रहे हैं अमृतसरी आलू कुलचा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, 2 कप मैदा ऐड करेंगे, 1 TSP बेकिंग सोडा, 1 TSP बेकिंग पाउडर, सॉल्ट एंड 1 TSP शुगर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही। अब हम इसमें डालेंगे 2 TSP ऑयल। हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा, एक साथ नहीं डालना है। गूंथना शुरू करेंगे और एक सॉफ्ट आटा लगाएंगे इससे। पानी इसमें ज़्यादा ना डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। ज़्यादा डालेंगे पतला होने के चांसेस हैं इसके। अब हम इसको थोड़ा सा और डालेंगे। अब देखेंगे आप, ये खट्टा होना शुरू हो गया है। ये खट्टा होना शुरू हो गया है, इतना सॉफ्ट चाहिए हमें। हम इसको बिल्कुल स्मूथ होने तक देंगे। अब हम इसको ऑयल से दोबारा से ग्रीस करेंगे। आप इसमें ऑयल की जगह बटर डाल सकते हैं, उससे ये और खस्ता बनेगा। तो ऑयल लगा के फर्मेंट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। आटा हमने अपना फर्मेंट होने के लिए रख दिया है। अब हम आलू लेंगे, ये 6 से 7 हैं, अच्छे से मैश करेंगे। हाथ से ही करना है हमें काम, बिल्कुल स्मूथ बनाना है इसको। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे 2 TSP के करीब लाल मिर्ची पाउडर, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग में डालें। 2 TSP धनिया पाउडर, 1 TSP गरम मसाला एंड 1 TSP क्यूमिन पाउडर, 1 TSP के करीब हम इसमें हींग डालेंगे, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसको। अब हमारा ये मिक्सचर तैयार हो गया है। इसमें हम TBSP के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, ये इसको बाइंड करेगा, जिससे हम जब कुलचे को अपने बेलेंगे तो ये स्टफिंग बाहर नहीं निकलेगी और इससे एक अच्छा टेस्ट भी आएगा। अब हम इसके छोटे छोटे राउंड राउंड गोल बना लेंगे इस तरह से। ये साइज है, इतने साइज़ के गोले होने चाहिए। ये गोले बनकर हमारे तैयार हो गए हैं। हमने आलू के बॉल बना के रख लिए हैं। अभी हम आटा देखेंगे अपना। आटा हमारा फर्मेंट हो गया है। इस बीच हम एक गैस ऑन करेंगे और तवा रखेंगे गर्म होने के लिए। अब हम कुलचे बनाना शुरू करते हैं। कुलचे के लिए अब हम इसको प्लेटफॉर्म पे हाथ से फैलाएँगे। हमें किनारे इसके पतले करने हैं। किनारे पतले नहीं रखेंगे, बीच से पतला रखेंगे तो हमारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी, इसीलिए हम इसे किनारे पतले करने। जैसे हम आलू का परांठा में आलू भरते हैं, सेम वैसे ही अब हम एक अपना आलू का ये उठाएंगे, चावल उठाएंगे, उसके किनारे सील करते हुए। अच्छे से सील करेंगे इसको। अब हम इस पर थोड़े से ब्लैक सेसमे सीड्स डालेंगे, काला तिल, धनिया पत्ता, इसको भी हम अच्छे से दबा देंगे और हम इसको बेलना शुरू करेंगे। हम इसको हल्के हाथों से ही बेलना है, नहीं तो हमारी स्टफिंग बाहर निकल जाएगी, ध्यान रखिएगा। अब हम इसको उल्टा करेंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा पानी लगाएंगे बैक पेस्ट की। इसको हम थोड़ा सा हाथ से साइड से कर देंगे, कुलचे में जो फिंगर का जो इफेक्ट आता है वो ऐसे ही आता है। हम इससे पानी ऐड कर दोबारा से अप्लाई करेंगे। और इधर हमारा तवा गर्म हो चुका है, हम थोड़ी सी गैस स्लो कर देंगे। इसको हम पानी वाली साइड से इस पर डाल देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए पकने देंगे हम इसे। ये हमारा ये बबल्स उठने शुरू हो गए हैं इसमें। तो हम आपको तवे को उल्टा करेंगे और इस पर सेकना शुरू करेंगे बराबर से। सेकना है इसे चारों तरफ से, सेकेंगे हम इसे अच्छे से ताकि ये ब्राउन ना हो जाए। अब हम इसको किसी स्पैचुला से प्रेस से निकालेंगे। देख सकते हैं पीछे से भी कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब हमारा ये कुलचा बनकर तैयार है। अब हम इस पर बटर अप्लाई करेंगे। ये कुलचे का मज़ा तो बटर के साथ ही खाने में आता है। इसको आप दही के साथ, हरी चटनी के साथ, प्याज के साथ सर्व करें। बताइए आपको कैसा लगा, अपने कमेंट में अपने अनुभव शेयर कीजिए। बनाते रहिए, खाते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी कुकिंग।